कहीं मुझसे पूछा गया था, शायद देखा भी होगा, बहुत वायरल भी हुआ ये। हमसे पूछा गया था कि आप फिल्मों से आए, आपको इतना अनुभव कैसे हुआ? अचानक वो 1600 करोड़ रुपए पे एक हवाई जहाज कैसे गया? अरे 500 का 600 हो जाता, 700 हो जाता, 800 हो जाता करोड़, सीधे 1600 करोड़ एक हवाई जहाज का। ये कह रहे संजय सिंह जी, मित्रों को पहुंचाना था। जो अभी इलाहाबाद में भी कहा मैंने, मुझे लोगों ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, और अभी तक तो हूं मैं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, ना पार्टी ने मुझे छोड़ा है, ना मैंने अभी तक पार्टी को छोड़ पाया हूँ, ना पार्टी मुझे अभी तक छोड़ पाई, इसलिए अभी तक तो साथ हूँ। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और कहना भी बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से पहले हम भारत की जनता के, हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी भारत की जनता के प्रति है। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ख़ासकर मेरी बात अगर करूँ तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर परसेंटेज अगर किसी को आया है, आप तमाम लोगों को पता होगा, तो मुझे आया। उसके बाद ऐसी बातें हुई हैं, आज इस स्तुति गान के ज़माने में खुशामदीद लोगों के बीच में कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जिस पे मैं अफसोस नहीं बल्कि अचंभा जाहिर करता हूँ कि आज सच कहना को बगावत कहा जाता है। सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर सच कहना बगावत है तो सच के आधार पे और सिद्धांतों के आधार पे जिस तरह से हम आगे चल रहे हैं, या जिस तरह से मैं जूझ रहा हूँ, या लोगों को शायद पेशोपेश में और कश्मकश में डाल दिया है, ये आपको, ये सर्वविदित है और आपको भी अच्छी तरह पता है। तो इन सब बातों को समझते हुए इसके दायरे में मुझसे या मेरे भाई संजय सिंह से या प्रोफेसर दीक्षित से या हमारी आदरणीय सम्मानीय श्रीमती पटेल से, कृष्णा पटेल जी से या अनुरागी जी से, जो अब आपको पूछना हो निर्भीक होकर प्यार से पूछेगा। जो तो मैं इंतजार कर रहा हूँ वो निकाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, शायद देखो इन चुनाव के बाद कुछ अच्छी खबर आ जाए। इन चुनाव के बाद ताक लगाए बैठे हैं, वो ताक लगाए बैठे हो सकता है, लेकिन तब तक तो है। तो कहते हैं कि आप उनकी पार्टी के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? पहली बात तो मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, अभी तक तो किया हुआ है। जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं दृष्टिकोण से, और देखिए एक और बात कहता हूँ, जब मैं गलत रास्ते कह रहा हूँ तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिसका माने सबसे विद्वान मैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है। मैंने जो कुछ कहा है और किया है, मुझे पूर्ण यकीन है, विश्वास है कि मैंने भारत की या देश के हित में किया है। अगर मैंने कहा आप तमाम लोगों के साथ कि नोटबंदी गड़बड़ है और गड़बड़ हुई, ये तुगलक की फरमान। अभी लोकतंत्र में आप देखा, चाहे किसी पार्टी का हो, मैं तो हेल्दी पॉलिटिक्स में आया था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर, और मैं आया था ये तो कभी सोच कर भी नहीं आया था कि जो आपका अपोनेंट है उसको आप दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। आपका विपक्ष में अपोनेंट आपका दुश्मन नहीं है, तो इसी समाज का, किसी परिवार का है, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का भाई है, और उसके ऊपर इस तरह से अटैक करना, और वो भी केजरीवाल जैसे आदमी पर जिसकी छवि इतनी अच्छी है, इतना लोकप्रिय वो आदमी है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, और वो आदमी भले आप आदमी पार्टी का हो लेकिन वो आप सबों का है और हम सबों का है, और ऐसे आदमी के ऊपर ये चौथी बार अटैक हो रहा है, ये 2 साल के अंदर में चौथी बार अटैक हो रहा है। तमाम लोग जानते हैं जिसको मैंने कहा देश का फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर भारतीय जनता पार्टी का, उनको ऐसे अब उनको वयोवृद्ध बनाकर इस तरह से दरकिनार किया गया है और करते जा रहे हैं,
ये सबने देखा, कितने लोग साथ दे रहे हैं आज, मैं साथ दे रहा हूँ आडवाणी जी का, क्योंकि हमने उनका कहा तो पिता तो जो तो है वो तो गुरु भी है, फ्रेंड फिलोसफर गाइड गुरु अल्टीमेट लीडर का मानता हूँ, तो इसकी कीमत तो उन्होंने भी चुकाई है, उनके साथ जो लोग रहे हैं शायद उन लोगों को भी चुकाना पड़ा।